ये आवाज क्या करना है। तो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं इधर नज़दीक घूमने। तो हमारे दोस्त भी बिल्कुल एकदम एपोरेट रेडी हो चुके हैं, इसकी बैटल गाने को है। और मिस्टर सानू भी एकदम सेक्सी तरीके से तैयार हो चुके हैं, पर मिस्टर गुग्गे को दरवाज़ा चाड़ने नहीं आ रहा है। क्या बात है अभिषेक, दरवाज़ा नहीं चढ़ा जा रहा है क्या? तो चलो चलते हैं। और इधर लेक है फेमस, कंकारी लेक, कंकरिया जो भी है, वहाँ पे आपको ले चलते हैं। अभी तो घर से निकल रहे हैं अभी, चलो बस स्टैंड पे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो जा रहे हैं अभी फिलहाल बस स्टैंड पे, और हमारे साथी भी पीछे चले हुए हैं। तो ये रास्ता तो आपने बहुत बार देखा होगा, आप सीधे मिलते हैं बस स्टैंड पे। सो फाइनली दोस्तों अभी बस स्टैंड के पास पहुँचने वाले हैं। बस स्टैंड के पास पहुंचने वाले हैं, देखते हैं कौन सी बस मिलती है। एक नंबर स्टैंड पे हमें बस मिलेगी इधर सानंद बस स्टैंड से गीता मंदिर अहमदाबाद के लिए। तो चलो देखते हैं आगे चलकर क्या बनता है। तो हम सानंद बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं और इधर अभी तक कोई बस नहीं लगी है गीता मंदिर के लिए। तो देखते हैं कब तक बस मिलती है, कब तक चलते हैं, फिर अगला ब्लॉग वहीं पर भी बताएँगे आपको। इधर बहुत गर्मी हो रही है। तो फाइनली बस तो आ गई है, लेकिन देखते हैं अब कौन सी बस है, करना पड़ेगा पता। ये बस है, अब पढ़ना उसमें लिखा है गुजराती में, पढ़ना भी नहीं आ रहा है कौन सी बस। बस चाचा छोटे घर के देखना भैन बेढाए दड़ाई ले अंदर बंदे चाचा बोला मग। बस चाचा छोटे घर के देखना भैन बेढाए दड़ाई ले अंदर बंदे चाचा बोला मगज है वो है सब कुछ है भाई। तो देखते हैं पता नहीं कितने टाइम में पहुंचे, कितने टाइम में पहुंचेंगे। 15 रुपये लगे था, 1.25 घंटा लगे ना, 15 रुपये का हमारा टिकट लगा। चलो देखते हैं वो कर गया, अभी तो बहुत भीड़ है इधर, ब्लॉग भी अच्छे से नहीं होगा। इतने 40 मिनट लगे हैं सानू, 40 मिनट और लग जाएंगे गीता मंदिर पहुंचने के लिए। तो हमें काफ़ी टाइम लग जाए पहुंचने को, और उतरते मासूम चेहरे ये बयां करते हैं कि बहुत मज़ा आएगा आगे चल के।
बहुत से जानवर देखेंगे स्टेशन में। देखिए झंडे से हम इसको दिखा रहे हैं, कितने मायूस लग रहे हैं हमारे स्टेशन में, पता नहीं किसके ख्यालों में खोए हुए हैं। चलो अब जब बस से उतरते हैं तभी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ऐसे आपको भी मज़ा नहीं आ रहा होगा और हमें ब्लॉग करने में भी थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, तो जब बस से उतर जाएंगे तब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली इधर से ऑटो करना पड़ता है बस स्टैंड से, बस सानंद बस स्टैंड से इधर तक गीता मंदिर तक, और इधर से ऑटो करना पड़ता है कांकड़िया लेक के लिए। तो अभी फिलहाल अपने दोस्तों के साथ फुल मजे कर रहे हैं और भाई भी देख रहे हैं पीछे की क्या ये वीडियो बना रहे हैं, तो इनको भी बताएंगे। और हमारे निखिल ठाकुर पूरे संग और गुग्गा बैठा है बिल्कुल घोड़े पे और मिस्टर सानंद। तो चलो चलते हैं लेक पे, फिर दिखाते हैं आपको आगे का। फाइनली वी रीच्ड इन केड़ी लेक यार है कंकरी लेक वी रीच्ड इन कंकरी लेक इज जान सानो फिर है? और ये देखिए आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। मैं डूब जाई ओ भाई, अल्टीमेट व्यू आ रहा। आ जा इधर हो गए ओ भाई, किस टाइम पर चलिए चल रहे रुक भाई पकड़ ले अन्य पकड़ दे रे आ गए ये रही किस्ती और ये रही अरे चल जाओ किस्ती अल्टीमेट की ओ भाओ भाओ ने दौड़ा दीवार अरे सामने गोल गोल दे पाल टिंगरी था डोर चल ले आना कैच ये पार ना आई केड़ी ओ जे पास स्पीड स्पीड दाड़ी थैंक यू नी है मां हां वाह तुम्हारे डंडिया लगे था। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम कांकरी लेक कहां पे वो देखो वो मछलियां और इधर पे मछली भी है। चली कराउंड पा रखा है एक राउंड हमारी है सामने मछली पा रखा इन्हीं है मारे हैं इन्हीं जल्ले रहा किन्हीं है इन्हीं जल्ले पा रखा चलता चल इन्हीं जल्ले है बाहर नहीं होना ले सीधी दौड़ बढ़िया पूरा एंजॉय। तो ये रही लेक फोटो फाटो ले ये क्या सुखड़ रहे लाइन है रेलवे बहुत ही मजे और बहुत ही शानदार एक खचाला रहा नेड़े नेड़े था क्या घूमना लोगों से साढ़ा गुस्सा था अरे सानू हेठ जा सकते बहुत ही सुंदर लेक अच्छी जगह गाने तो ना दूजे लाए अरे सानू इच बैठना जे गोले डूबी गया वहां च ता नहीं नहीं अंदर हैं फटी है ना वहां जो जे पैर आया सियासा ही निकलने वाला ब्रेड का ओ वाओ देख तो बाहर के जा रहे होंगे हैं गोली अरे इधर चलिए निकल चल अब इधर चलिए मां कितने रंग की होंगी आ रहा है ओ रे यम पे ओ रे गोली हाय कितनी करूंगी यार अरे सेफ्टी जैकेट भी सब लाए रहा रस्सा लाए रहा मैं डूब गए तो मैं बहुत ही कॉपीराइट ना आ जाए। और ये है रेलवे स्टेशन इधर छोटा सा, अरे जूस जास पी है थी पाला पड़ा अरे निखिल तू नाचे थे उधर वीडियो ना ये नाच नाच हां आज अपने बंदे होना साथ आड़ में पाइदर खोचा इसके अंदर झंडू बॉम्ब लग रही होने थे को बहुत ही शानदार खुदा इन अंदर दिखा रुपया लगू मिला है हले बड़ा दिन फेरा भीड़ तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल में चली हुई है इधर। और वहाँ पे देखिए आपको किस्ती दिखाई दें कैसे भरनाटे से आ रही है अबे ओले ओले चला धीरे धीरे सानू अरे जूक दी है क्या है
करने पैने दिसो कौन चल पहली ग्राउंड मारी है बारला भी चला भी है घूमी है पावर बड़ा ओए एक यही था रा चिड़ियाघर चिड़ियाघर देखता ये रुक पहले घूमी है फिर यहां सानू हो जी पुट्ठी ओए बोट बोट हो जी पुट्ठी ठीक है अरे वाह इधर आना बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अरे चो नहीं होना मां चो कैमरा कैमरा लाउडा तो चलिए देखते हैं इधर हॉरर हाउस में चलते टिकट पूछ टिकट पूछ हॉरर हाउस सारा इतने अंदर भूतनी भूतनी लैनी थल्ले क्या होया 70 रुपए टिकट ही कैमरा अलाउड है भाई अंदर कैमरा नहीं अलाउड चलो कोई नहीं भैया अगली बार ट्रेन झूठे भी लेंगे ट्रेन और बहुत ही आनंद आ रहा है इधर और क्या बताएं ओ भाई सानू फोटो फाटो लाओ मां जो छाव खाऊ थी धुप्पे बढ़िया ना चलो एंजॉय कर लेते हैं वो देखिए क्या इतने स्पीड से आ रही है हम भी इधर जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही सुंदर लेक है बहुत काफ़ी बड़ी लेक है तो चलो आगे चल के दिखाते हैं आपको फोटो लेते हैं छाँव में चलकर और वो देखिए मछली मर चुकी है जो ऊपर तैर रही है कुत्ती हाँ एक बड़ बड़े पेरी आ रहा है बड़े मछली बहुत ही सुंदर नज़ारा इधर का अभी तो पूरे दिन घूमेंगे लगभग इसके दो तीन ब्लॉग तो बन ही जाएंगे तो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ऐसे में ब्लॉग देखने को मिलेंगे दो तीन काटे ने मान लिए करा मछली खानी ही नहीं यार और यो पिन काट दिया रहा खाई नहीं ना जो बगुले नहीं है बगुले नहीं आ तो फिलहाल अभी भी घूम रहे हैं और अभी तक किसी भी इसमें नहीं गए अभी देखते हैं जू में जाने का प्लान है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस ब्लॉग के दो से तीन पार्ट बन जाएंगे शायद जितना मेरे को लग रहा है क्योंकि अभी फ़ोन में बैटरी भी कम है और थोड़ा बहुत ही दिखा पा रहा हूँ आपको रही पीछे हमारे लेक तो अब जू में चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे जू में दिखाते हैं आपको इधर का जू और व्यू देखिए आप तो अल्टीमेट ही व्यू है यार व्यू तो अल्टीमेट उन्ने नहीं है उन्ने तिस्ते भी छोटा पर उन्ने आला इससे छोटा और ये चल पड़ी है इधर से किस्ती ए ताई आ रहा से स्कूटी हर एक क्या सानू म्यूजियम हाँ इधर पता भी नहीं हमें क्या क्या है क्या हो सानू है अंदर यहाँ नहीं बनाया तो मॉल में अंदर खेलने जो हाँ खेड़ा है गेमिंग वाला जुआ चल रहा है जुआ पर अब प्रस्थान करते हैं जू की तरफ क्या हो यार इसका चलना छाँव में वो चलिए ये बोट तो घूमने में तो काफ़ी आनंद आ रहा है तल भाव पानी एक हजार तल ये मेरे फोन ले लिए उतने कोई ना कोई था ना पीछे मारना पटकी पटकी तो चलो चलते हैं अब जू के गेट के पास वहाँ पर टिकट लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे बप आपको दिखाते हैं बब्बर शेर कीड़ा सबका कीड़ा अपना कीड़ा सबका कीड़ा आएंगे मिस्टर सानू जी
अभी मन कर रहा है कि घूम लें अच्छे से, लेकिन चलो आपको भी घुमा लेते हैं, वरना ब्लॉग करने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी हैं इधर। लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा एडजस्ट करके जो भी हो पा रहा है, बैटरी की भी थोड़ी सी शॉर्टेज है और स्टोरेज की भी, तो जितना हो पा रहा है उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ट्रेन जिसमें आप घूमने का लुत्फ़ उठा सकते हैं, हम भी उठाएंगे, लेकिन हमें अभी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ कहाँ घूमें। बहुत सी जगह है घूमने के लिए इधर, और भीड़ तो चलो काफ़ी ज़्यादा है। और अभी जू चले हैं, जू का हमको पता ही नहीं लग रहा है कि जू कहाँ है, तो चलो देखते हैं कि जू कहाँ पर है। जू देखते हैं जू, और इधर नीचे क्या है, सब लोग देख रहे हैं। इधर मछलियाँ हमारी पड़ी, क्या सीन है सानू? कैसी है उधर है परे नहीं है जो चल तो अगे चल जे उत खाते आए हैं ताली दूस से। हाँ हाँ जी चलो देखते हैं, जू के पास पहुंचेंगे तब वीडियो स्टार्ट करेंगे, वरना स्टोरेज फुल हो जाएगी हमारी। यार क्या करें, स्टोरेज वाला फ़ोन लेना ही पड़ेगा पहली यूट्यूब इनकम से, क्या करें बबुआ। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, जब चिड़ियाघर गए अंदर ब्लॉग लंबा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे अपना प्यार में रखिएगा। टिकट की लाइन में खड़े हैं अभी, बहुत लंबी लाइन लगी है।